Harish Salve, a barrister, a senior advocate, has served as a Solicitor General of India and has also worked with former Attorney General of India. Lawyers are attached with these different terms, but in terms ke matlab kya hai? इसीलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एडवोकेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सीनियर एडवोकेट और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जिनके हम मतलब समझने वाले हैं जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बैरिस्टर एक एक करके हम इन सब टर्म्स का मतलब जानने वाले हैं चलो फिर शुरू करते हैं सबसे पहली टर्म है लॉयर वकील So, जैसे ही आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो जैसे ही आप LLB कंप्लीट कर लेते हो देन यू बिकम अ लॉयर सो जब आपने 12th के बाद 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB का कोर्स कंप्लीट कर लिया देन यू बिकम अ लॉयर बट एक लिमिटेशन है लॉयर्स के साथ दैट दे कांट रिप्रेजेंट क्लाइंट्स इन कोर्ट मतलब लॉयर बनने के बाद आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कोर्ट में टर्म नंबर 2 एडवोकेट अधिवक्ता एडवोकेट्स आर लॉयर्स हु गेट इनरोल्ड इन एनी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल्स एंड गेट सनद सो सनद का मतलब है प्रैक्टिस लाइसेंस व्हिच मींस इफ यू गेट अ सनद देन यू गेट द पावर टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स इन कोर्ट आपको अथॉरिटी मिल जाती है क्लाइंट्स के बिहाफ पर केस लड़ने की लॉयर्स और एडवोकेट में बड़ा माइनर डिफरेंस है बट इस स्टेटमेंट से मैं क्लियर कर दूंगा ऑल एडवोकेट्स आर लॉयर्स बट ऑल लॉयर्स आर नॉट एडवोकेट्स मतलब वो लॉयर्स जो अपने आप को स्टेट बार काउंसिल के साथ इनरोल कर लेते हैं दे बिकम एडवोकेट्स क्लियर हुआ ये डिफरेंस टू बिकम एन एडवोकेट यू हैव टू फुलफिल टू कंडीशंस दो कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है नंबर 1 यू हैव टू इनरोल विद एनी ऑफ द स्टेट बार काउंसिल जैसे दिल्ली बार काउंसिल है या पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल है कोई भी बार काउंसिल है आपकी स्टेट की उसमें जाके आपको इनरोल करना है दूसरा यू हैव टू क्लियर द ऑल इंडिया बार एग्जाम सो जैसे ही आप ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर लेते हो दैट मींस यू हैव बिकम एन एडवोकेट एंड यू कैन रिप्रेजेंट योर क्लाइंट्स इन कोर्ट टर्म नंबर 3 सीनियर एडवोकेट वरिष्ठ अधिवक्ता अब सीनियर एडवोकेट ये मत समझना कि एज की वजह से कोई सीनियर होता है सीनियर एडवोकेट्स आर दोज एडवोकेट्स विच आर डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही डेजिग्नेट कर सकती है सीनियर एडवोकेट्स को अब कुछ क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे कोर्ट्स चूज वेदर अ पर्सन शुड बी अ सीनियर एडवोकेट और नॉट कुछ क्राइटेरिया उसके बेस पे चूज किया जाता है सबसे पहला क्राइटेरिया नंबर 1 स्टैंडिंग एट द बार अगर आप 10 साल से 20 साल का कोर्ट रूम एक्सपीरियंस है आपको तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स अगर बियॉन्ड 20 ईयर्स है तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स क्राइटेरिया नंबर 2 तो रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी है आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टी क्या है कितने प्रो बोनो केसेस आपने लड़े हैं इसके 40 पॉइंट्स क्राइटेरिया नंबर 3 पब्लिकेशन इसके 15 पॉइंट्स की कितनी बुक्स कितने आर्टिकल्स आपने लिखे हैं क्राइटेरिया नंबर 4 इंटरव्यू इसके 25 पॉइंट्स तो इन पॉइंट्स बेसिस पे आपको इवेल्युएट किया जाता है उसके बाद कोर्ट्स इन चीजों इन क्राइटेरिया की बेसिस पे आपको चूज करती है वेदर यू शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर और नॉट जैसे ही आप सीनियर डेजिग्नेट हो जाते हो देयर आर मेनी लिमिटेशंस एंड प्रिविलेजेस व्हिच आर प्लेस्ड अपॉन यू सो बहुत सारे लिमिटेशंस भी आते हैं सीनियर की डेजिग्नेशन होते ही और बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं आपको सीनियर एडवोकेट्स के कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आप वो जाके भी देख सकते हो फोर्थ टर्म एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर फाइल करना है सो आप फाइल नहीं कर सकते विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कोई सीनियर एडवोकेट हो जैसे हरीश सालवे राम जेठमलानी या कोई एडवोकेट हो
किसी को भी सुप्रीम कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, दे कांट फाइल दैट केस विदाउट एन AOR. सबको AOR की जरूरत पड़ती है अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको केस डालना है तो. अब ज्यादातर आपको सुप्रीम कोर्ट में ही AORs मिलेंगे, ठीक है, बट कुछ हाई कोर्ट्स भी हैं जिन्होंने सिस्टम ऑफ AORs को इंट्रोड्यूस किया अपनी कोर्ट्स में. टू बिकम एन AOR यू हैव टू क्लियर द AOR एग्जाम विच इज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एवरी ईयर. हर साल एग्जाम होता है AOR का. आपको AOR बनने के लिए एटलीस्ट 4 ईयर्स का लिटिगेशन एक्सपीरियंस चाहिए बिफोर एनी कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो. प्लस यू नीड 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद एन AOR जिनका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 10 साल हो या 10 साल से ज्यादा. उसके बाद ही आप AOR के एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो. AOR के कॉन्सेप्ट पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. 5th term है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये संवैधानिक पोस्ट है. अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ठीक है. करंट अटॉर्नी जनरल है KK वेणुगोपाल. सो ये काम क्या करते हैं अटॉर्नी जनरल? सो बेसिकली चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और अपेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप वो भी जाके देख सकते हो, लिंक वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. अब 6th term है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया. सो ये स्टैट्यूटरी पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट नहीं है. सॉलिसिटर जनरल जो है सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, ठीक है. सो टॉप पे जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है वो है अटॉर्नी जनरल, फिर उसके नीचे होते हैं सॉलिसिटर जनरल जो उनको असिस्ट करते हैं, उनके नीचे होते हैं सॉलिसिटर के नीचे होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो कि सॉलिसिटर को असिस्ट करते हैं. सो बेसिकली ये लॉ ऑफिसर्स की हायरार्की है. करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज तुषार मेहता, ठीक है. इनकी भी सेम ड्यूटी होती है जैसे AG की जो अटॉर्नी जनरल उनकी ड्यूटी है, वही सेम टू सेम ड्यूटी सॉलिसिटर जनरल की होती है. सो बेसिकली दे एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अपेयर फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट. 7th term है एडवोकेट जनरल. सो एडवोकेट जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. अभी हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल क्या करते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करें, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री. और जो स्टेट के होते हैं वो होते हैं एडवोकेट जनरल. सो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अटॉर्नी जनरल और स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एडवोकेट जनरल. हर स्टेट के एडवोकेट जनरल अलग होते हैं. जैसे पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं अतुल नंदा और हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं बलदेव महाजन. सो हर स्टेट के अपने एडवोकेट जनरल होते हैं. एडवोकेट जनरल भी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में. 8th term पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लॉयर हु रिप्रेजेंट स्टेट इन क्रिमिनल मैटर्स. सो क्रिमिनल मैटर में जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उन लॉयर को कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर. सो क्राइम इज रिगार्डेड एज एन ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी. तो पूरे समाज के प्रति क्राइम को एक ऑफेंस माना जाता है, एक अपराध माना जाता है. इसीलिए आप किसी भी क्रिमिनल केस का टाइटल देखोगे तो ज्यादातर उसमें पार्टीज जो होंगी वो हमेशा स्टेट होगी. तो स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड होगा या अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट होगा. यू नीड 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना है. तो यू कैन फाइंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 9th term बैरिस्टर. द टर्म बैरिस्टर हैज नो रेलेवेंस इन द इंडियन लीगल सिस्टम, ठीक है. बैरिस्टर्स आर लॉयर्स हु हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑडियंस इन द सुपीरियर कोर्ट्स इन UK. सो UK के अंदर बैरिस्टर्स आर लॉयर हु हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑडियंस इन द सुपीरियर कोर्ट्स इन UK. सो इसका मतलब क्या है? बेसिकली UK के अंदर बैरिस्टर्स के पास ही आर्ग्यू करने का और अपीयर करने का राइट है इन दी सुपीरियर कोर्ट्स. मतलब एपेलेट कोर्ट्स में सिर्फ बैरिस्टर ही अपीयर और आर्ग्यू कर सकते हैं UK में,
और कोई लॉयर्स नहीं कर सकते. टू बिकम अ बैरिस्टर इन यूके यू हैव टू हैव अ बैचलर्स डिग्री इन लॉ. यू हैव टू पास अ टेस्ट कॉल्ड BCAT, बार कोर्स एप्टीट्यूड टेस्ट. ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा. उसके बाद आपको 4 INS में से कोई भी एक INS जो है ऑफ कोर्ट उसको ज्वाइन करना पड़ेगा. INS क्या है? ये प्रोफेशनल बॉडी है बेसिकली जो बैरिस्टर को रेगुलेट करती है, समझ लो एसोसिएशंस है. तो 4 INS हैं यूके में, ठीक है. पहला है ग्रेन, फिर है लिंकन इन, फिर है इनर टेंपल और फिर है मिडल टेंपल. ये 4 INS हैं ऑफ कोर्ट, इनको ज्वाइन करना होगा आपको. हरीश सालवे जो कि खुद एक बैरिस्टर हैं, ही वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन ग्रे INS. महात्मा गांधी हु वॉज ऑल्सो अ बैरिस्टर वॉज इन्वाइटेड टू द इनर टेम्पल, ठीक है. उनको इनर टेम्पल उन्होंने ज्वाइन किया. आफ्टर ज्वाइनिंग द INS यू हैव टू इनरोल इन अ कोर्स कॉल्ड BPTC, बार प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स. अब इस कोर्स में होता गया है बेसिकली आपको ट्रेन किया जाता है इन एडवोकेसी स्किल्स, इन ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड ओपिनियन. तो आपको बेसिकली लिटिगेशन के जितने स्किल्स जो यूज होते हैं उसमें आपको ट्रेन किया जाता है. सो अगर आप इस कोर्स को फुल टाइम करते हो तो 1 साल की ड्यूरेशन है, पार्ट टाइम करते हो तो 2 साल की ड्यूरेशन है. आप जैसे ही इसको कंप्लीट कर लोगे इसके बाद आपको करनी पड़ेगी प्यूपलेज. सो बेसिकली अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी 1 साल की. जब आप ये सब कंप्लीट कर लोगे देन यू बिकम अ बैरिस्टर. हरीश सालवे इज अ बैरिस्टर, राइट. सो जो ये लास्ट स्टेज है ना प्यूपलेज, ये उनकी एग्जेम्प्ट कर दी गई थी बिकॉज ही हैड एक्सेप्शनल क्रीडेंशियल.